नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको कक्षा 12 की बुक, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसको क्लियर करवा रही हूँ। तो आप मेरा वीडियो ध्यान से देखें। मैं आज आपको प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में पढ़ा रही हूँ। आप जानते हो कि भारतीय संविधान की विशेषताएं आपके चैप्टर है, उसी में आपको प्रस्तावना समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है प्रस्तावना, ध्यान से देखिए बच्चों। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया बच्चों? पारित कर दिया गया। अब क्या होता है बच्चों, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की प्रस्तावना कहा जाता है। तो ये जो प्रस्तावना है, ये हमने कहां से ली है बच्चों? अमेरिका से। कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से जो है ये प्रस्तावना ली है, और इसकी जो भाषा हमने ली है वो ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना जो हमने ली है वो यूएसए के संविधान से ली है, और हम भारत के लोग ये बात हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। ये वाली बात है ना, हम भारत के लोग, ये हमने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। तो ये जो प्रस्तावना है, इसी को हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रस्तावना को के एम मुंशी ने क्या कहा? इसे संविधान की कुंडली कहा। संविधान की कुंडली कहा, के एम मुंशी साहब ने इसको संविधान की कुंडली कहा। इसी प्रस्तावना को संविधान का दर्शन और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और आत्मा कहने वाले कौन थे? ठाकुर दास भार्गव ने संविधान को क्या कहा? प्रस्तावना कहा था। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि ये जो प्रस्तावना है इसमें है क्या। देखो, प्रस्तावना में कहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आज हम बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा आज इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करती है। ये प्रस्तावना है, और इसी प्रस्तावना से हमें भारतीय संविधान के दर्शन हो जाते हैं। कई विद्वानों ने इसके बारे में कहा, क्या कहा? ये संविधान की आत्मा है, ये कुंडली है। इसको देखकर कोई भी बता सकता है कि भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान का जो ढांचा है, उस भारतीय संविधान के ढांचे को इस प्रस्तावना के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। अब देखो, अगर हम संशोधन की बात करें बच्चों, किसकी? संशोधन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल कितने संशोधन हुए? एक बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन का नाम है बच्चों 42वां संविधान संशोधन।
बच्चों 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें तीन चीजों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द आता है आपका अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में शामिल किया गया। अब बात आती है बच्चों कि हम भारत के लोग यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है प्रस्तावना, ये कहना चाह रही है कि समस्त संविधान का जो निर्माण किया गया है वो समस्त भारतीय लोगों के द्वारा ही नियुक्त किया गया है, भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारतीय लोगों के लिए बना है। तो कौन सा भारतीय संविधान? तो ये समस्त रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारी समस्त जनता के ऊपर लागू होता है, समस्त जनता के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया है। अब बात आता है बच्चों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यहां पर है बच्चों बाहरी और आंतरिक। बाहरी और आंतरिक रूप से हम किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, हम सब भारतीय स्वतंत्र है और हमारा देश क्या है पूरी तरीके से बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से क्या है बच्चों, क्या है स्वतंत्र है, किसी भी बाहरी नियंत्रण के आधिपत्य में नहीं है। अब बात आती है बच्चों समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से समान अवसर लोगों को उपलब्ध करवाना, और ये समाजवादी विचार दिया भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो समाजवादी कहता है कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उस खाई को पाटने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करना और इन तीनों के अवसर भारतीय लोगों को उपलब्ध करवाना। तो ये समाजवादी का मतलब यही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करने का प्रयास करना। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, पंथ और निरपेक्ष, क्या है पंथ निरपेक्ष मैं बताती हूं बच्चों। पंथ निरपेक्षता का मतलब है आप जिस देवी देवता की उपासना करते हो उसके प्रति आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी पंथ निरपेक्षता का मतलब है किसी भी धर्म के रास्ते पर चल सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, किस राज्य इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारत का कोई धर्म नहीं है, राज्य की तरफ से कोई राज्य धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले पे निरपेक्ष रहेगा, धर्म के मामले में राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म को समान माना जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात आती है बच्चों लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब अब्राहम लिंकन ने सबसे पहली परिभाषा दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। तो भारत की प्रस्तावना में साफ कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश है। फिर आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि राज्य का जो मुखिया है वो जनता द्वारा चुना जाता है और राज्य का प्रथम नागरिक किसको मानते हैं, राष्ट्रपति को। किसको मानते हैं बच्चों, राष्ट्रपति को। तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, वो चुना जाता है। और ये चीज हमने कहां से ली है, फ्रांस से। कहां से लिए बच्चों, गणराज्य जो शब्द लिया है हमने वो कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गण का प्रधान है वो वंशानुगत नहीं होता है बच्चों, वो चुना जाता है। ठीक है। अब बात आती है आगे क्या, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों में तीन प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये न्याय में पढ़ेंगे क्या होता है सामाजिक न्याय, क्या होता है आर्थिक न्याय, क्या होता है राजनीतिक न्याय। बच्चों देखो,
सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को अवसरों की समानता दी जाएगी। लोक नियोजन में समान अवसर लोगों को उपलब्ध होंगे, ये बात कहता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या कहता है? अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम करना, सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, बच्चों की देखभाल का पूरा ध्यान रखना, उनको कारखानों और खदानों में नहीं लगाया जाना, ये सब आर्थिक न्याय है। बच्चों के साथ शोषण नहीं हो, महिलाओं के साथ शोषण नहीं हो, महिलाओं को पुरुषों के समान समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार है, सभी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ने में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें तीन तरह के न्याय की बात कही गई है बच्चों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीनों न्याय आपके समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखो हमारी प्रस्तावना क्या कहती है बच्चों। चार प्रकार की स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रता दे रही है बच्चों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता कितने तरह की दे रही है? पांच तरह की स्वतंत्रता। सबसे पहले स्वतंत्रता किसकी दे रही है? विचारों की। आपने आगे जब पढ़ोगे आप मौलिक अधिकार, उसमें आपने स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें विचारों की स्वतंत्रता है, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। विचार, विश्वास, किसी पर भी क्या कर सकते हैं? किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं, किसी, फिर आता है धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसकी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, इन सब की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में प्रदान की गई है। समानता है बच्चों दो की, एक तो है क्या? प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसरों की समानता। देखो समानता, समानता, समानता की बात जो कर रहा है हमारा ये, समानता के बारे में कर रहा है, दो प्रकार की समानता की बात करता है। एक करता है आपकी कौन सी? एक तो करता है आपकी प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी करता है आपकी अवसरों की समानता। प्रतिष्ठा और दूसरा है आपका अवसर। ये आप जानते हो, अगर सरकारी नौकरियों में हर बच्चे को कानून की दृष्टि से समान माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को अवसरों की समानता होगी। प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को अपनी गरिमा को बनाए रखने का कि क्या होगी? समानता होगी, हर व्यक्ति समान होगा। ये कौन कह रहा है? हमारी प्रस्तावना कह रही है। और दो प्रकार की समानता की बात करती है बच्चों, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब बात आती है बच्चों किसकी? समानता हो गया, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, न्याय, तीन तरह के न्याय याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों प्रकार की न्याय की बात करते। अब कह रहा है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता आप समझ गए होंगे, एकता के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अखंडता का मतलब है कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत राज्यों का संघ है लेकिन भारत क्या नहीं है?
भारत से कोई राज्य विलंग नहीं हो सकता। भारत का संविधान इस बात का अधिकार नहीं देता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग हो सके। तो भारत अखंड है। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, हर भारतीय भारतीय है और हर भारतीय दूसरे भारतीय के प्रति बंधुता और भाईचारे का भाव रखेगा। इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। ये है हमारे भारतीय संविधान की बच्चों प्रस्तावना, जिसमें कितने तरह की न्याय की बात कर रहा है। देखो बच्चों, तीन तरह के न्याय की बात कर रहा है, दो तरह की समानता की बात कर रहा है और चार तरह की स्वतंत्रता की बात ये संविधान कर रहा है। वो कैसे? देखो बच्चों, कीवर्ड्स को पकड़ो और बाकी चीजें मैंने आपको बताई थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, पहले ये कीवर्ड्स है। फिर है नागरिकों को क्या क्या दिया जाएगा। तीन तरह के न्याय दिए जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा न्याय विचार या आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। और दो तरह की समानता की बात करती है, प्रतिष्ठा और अवसर। और यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा जाएगा, व्यक्ति विभिन्नता का भी ध्यान रखा जाएगा, राष्ट्र की एकता का भी ध्यान रखा जाएगा और उसकी अखंडता का ध्यान में रखते हुए हर भारतीय में बंधुता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है। तो बच्चों, आज ही आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूरा याद करना है, इसके हर कीवर्ड्स को डिफाइन करना है, हर कीवर्ड्स को समझना है और इसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या है, इसके अलावा समाजवादी क्या है, इसके अलावा गणराज्य का मतलब क्या है। ये चार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि इनका अर्थ मैंने आपको क्या बताया, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बच्चों, जब आप इस कीवर्ड्स को समझोगे तभी आप संविधान को समझ सकते हो, भारतीय राजव्यवस्था को समझ सकते हो और राजनीति विज्ञान को समझ सकते हो। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊं, कक्षा 12 की बुक को समझाऊं। अपन ऑडियो और वीडियो बोर्ड के माध्यम से भी और ऑडियो आप किताब को भी मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक पढ़ाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दीजिए, शेयर्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।